Assalamualaikum, my name is Ikra Arain. Today my topic name is intersection. I read in class 8. My group member is Mehani. First of all, intersection of two set. Intersection दो सेटों पर मुंतमिक होता है. The intersection of two set A and B is represented by A intersection B and it is a set which contain common element of both set. Intersection दो set पर मुंतमिक होता है जिसे हमें जिसके अंदर से हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने होते हैं उसे हम आंसर पे रखते हैं. जैसे कि इंटरसेक्शन मीन्स कि चौराहा मतलब जहाँ पे हमें 10 रोड लगते हैं उसके अंदर मतलब जो गोल बना होता है उसे हम चौराहा कहते हैं. अब मेरी कैप्टन आएगी मैं हूँ. द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट ए एंड बी आर द सबसेट. द सेट इज इंक्लूड ऑल द all toes include all elements are the subset. Set are include all toes element are the common of the both A and B. It is represented by the N. Symbol N. हमारे पास जो intersection होता है उसके अंदर दो होते हैं A and B. जो उसके अंदर जो same होता है वो हमारा answer होता है. For example जैसे हमारे पास यहाँ पर इस set दिया हुआ है. ए सेट है 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट्स है 2, 3 और 5. जब इसका हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 और 3 आएगा. ऐसे जब हम इसको वेन डायग्राम में करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया 2 और 3 उसका हम 2 और 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे और फिल कर देंगे. और जो हमारे पास सेट ए में बचा होगा वो हमारे पास बचा है 1 तो हम 1 यहाँ पर लिखेंगे. और जो बी सेट में हमारे पास बचा है वो 5 है तो हम 5 यहाँ पर लिखेंगे. ऐसे ही हमारे पास जब दूसरा सेट आता है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जी इसके एलिमेंट्स है ए एम के एंड वाई. और ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेट दिया है हमें एच वो इंफिनिटी सेट है यानी खाली है. जैसे अब हम इसको करना है जी इंटरसेक्शन एच. जब हम इसको जी इंटरसेक्शन एच करेंगे तो ये हमारे पास इंफिनिटी सेट आएगा क्योंकि इसके अंदर दूसरा सेट तो इंफिनिटी है. ऐसे ही जो इंटरसेक्शन होता है उसकी मीनिंग होती है जो दो सेट हमारे पास दिए हुए हैं उनको सेम को काट के आंसर में लिखना है. इंटरसेक्शन की यही मीनिंग होती है.